नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस में जो 5 तारीख को घेराव हुआ था, अब ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि काफी सारे बदलाव होंगे। सबसे पहली बात तो आपको जो बतानी है वो ये है कि कैलेंडर जारी होने वाला है। कैलेंडर में जितने भी जो इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम है सबकी लिस्ट आएगी। जैसे आपका 2017 वाला आरओ का मेंस कब होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2017 वाला अपर पीसीएस का मेंस कब होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट वही है। उसके बाद 2018 वाला जो आपका अपर पीसीएस का प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, और 2018 में ही लोअर आने वाला है क्योंकि, तो उसका प्रीलिम्स और मेंस कब होगा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। 2016 का जो आपका अपर पीसीएस का रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। जो भी आपके उस टाइम के अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें कि मतलब आने वाला है, मैं बता दूंगा वैसे यहाँ पे। अब देखिए, एक चीज़ और भी है, आजकल बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, मैं आपको एकदम साफ एक चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा किसी जाति धर्म या फिर समुदाय संगठन इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस एक ही कहना है कि चाहे अगर आयोग में जितने भी लोग हैं अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, देखो क्योंकि 2011 से लेके 2015 तक वाली भर्तियों पे ही सब कुछ जो भ्रष्टाचार है सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे हुआ था। अब ये बात है, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बाद में भी होगा, कुछ लोग कहेंगे उससे पहले भी होता था। बिल्कुल सही बात है, जो पहले जितनी भी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम जिंदगी भर लेके तो नहीं चल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं भी आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये सब चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जाति विशेष, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि यार कि पंडित हो तुम और ये है वो है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। मेरे हिसाब से चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति धर्म, कोई कास्ट का हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल, अगर मेन बात है कि वो अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए बस। अब उसमें अगर एक पर्टिकुलर, देखिए वो बात उठना भी उस टाइम की लाजमी है क्योंकि उस टाइम अगर किसी बंदे ने खुद ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ों को प्रमोट की तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर जो लोग हैं उन वो जिम्मेदार नहीं है उसके। तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं, मैं किसी को ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ, आप लोग भी प्लीज़ मत करिए। कुछ लोग मैंने कमेंट देखे थे कुछ ऐसे पर्टिकुलर किसी कास्ट पे नहीं, अगर मान लीजिए किसी एक कास्ट का कोई एक आदमी चोर है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो पूरी कास्ट जो पूरी कास्ट है वो थोड़ी ना चोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चोर उचक्के बेईमान लोग हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे, हर धर्म में होते हैं, हर कास्ट में होते हैं, हर रिलीजन में, हर जगह, मतलब कोई ऐसा धर्म या फिर कोई कास्ट कोई ऐसी कुछ है ही नहीं परफेक्ट, सब जगह बुराइयां होती हैं। तो हमको उस बुराई से उस पूरे उसको बदनाम नहीं करना है जो उस पर्टिकुलर बंदे ने किया था, वो यादव हो, पांडे हो, मिश्रा हो, जो भी हो, मोहम्मद हो, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, अगर मेन चीज़ है कि अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ रही हैं कि एक जो है टॉपर जी हैं कोई यूपी पीसीएस के, मतलब टॉप रैंक्स में थी उनकी, करीबन टॉप 10 टॉप 15 में थे इस समय पोस्टेड हैं वो एसडीएम की। नाम तो किसी को नहीं पता है, अगर पता भी होता तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता था, महानानी का दावा नहीं करवाना है अपने पर। लेकिन उन कुछ लोगों ने पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो इस समय बाकायदा मेडिकल लीव लगा के निकल गए हैं वो, कि वो आ नहीं रहे हैं और कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं कि जो आयोग है, आयोग में एक टॉप जो लीडर थे जब तक वो रहे हैं तब तक उन्हीं के कार्यकाल में सब मतलब जो वो चाहते थे वही होता था। अब यही बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल उनको सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई भी आदमी अगर मान लो टॉप पे पहुंच गया, और बल्कि कोई भी पार्टी को ये सब करना ही नहीं चाहिए। अगर यूपी पीसीएस में इस समय भी सही बात योगी जी को सुधारना है तो किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दें, आप सिर्फ प्रेफरेंस इस चीज़ को दीजिए कि वो बंदा ऑनेस्ट है कि नहीं। वो बंदा किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर वो ऑनेस्ट है और टैलेंटेड है और काम कर सकता है और उसका जो पिछला रिकॉर्ड है सब कुछ ठीक रहा है, उसी को देना चाहिए, मेन बात है। क्योंकि अगर एक ऑनेस्ट आदमी नहीं आएगा तो वो ऑनेस्टी को प्रमोट भी नहीं करेगा। तो ये वाली बातें हैं और ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो जो जैसे इसमें मैंने देख रहा था कुछ न्यूज़ कि 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये लेके लोग बने हैं ये सब चीज़ें। अब बताओ जिसने खर्चा किए हैं क्या वो अपना पैसा नहीं निकालेगा? तो वही बात है ना कि अगर वो पैसे दे के गया है तो चाहे वो जितना भी आप उससे वो कर दो वो सुधरेगा नहीं। ऐसे जो चोर उचक्के लोग अगर पहुंच गए सिस्टम में उनको कोई ऐसा छोटा मोटा दंड नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो दंड ये नहीं देना चाहिए कि उनको उस जॉब से आप हटा दो, और दूसरी बात ज़िंदगी भर के लिए बैन कर दो, कि ये एक कम से कम थोड़ा सा डेटरेंट टाइप का हो कि बाकी लोग ये ना करें। और बाकी कोई ऐसा नहीं कि उनको 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, 20 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, 2 महीने की सैलरी काट ली, उससे मतलब नहीं। वो अगर उस सिस्टम में घुसेगा तो ये सब दीमक हैं, खा जाएंगे सिस्टम को,
ठीक है, तो ये वाली बात है। बाकी आप लोग जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो भी पढ़ते रहिए, लेकिन कई सारे लोगों की एकदम, मैं सच बोलता हूँ, ये चीज़ें लोगों को बुरा भी लग जाती हैं। कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है एक्चुअली कि वो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो इतना दहेज मांगेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अगर शुरू से ही नहीं सोचोगे तो पर ठीक दोस्तों रहेगा, स्वागत है। हाँ ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे पढ़िए और मतलब ईमानदारी से रहिए। दुनिया में सब कुछ ईमानदारी से भी किया जा सकता है और ईमानदारी से पैसे भी कमाए जा सकते हैं यार, लोग कमाते भी हैं यार। ऐसा नहीं कि जो बेईमान है वही सब अमीर होते हैं, काफ़ी ईमानदारी से भी चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए 2018 के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अगर चालू करी हैं, आप एक देखिए इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं फ्री में कर रहा हूँ इस समय आप लोग के लिए। पूरा नोट्स अपनी जो वेबसाइट है उसमें करें। देखिए जैसे ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी रिलेटेड हैं आईएसपीसीएस एग्जाम के लिए सब यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। प्लस अभी आरआरबी की टेस्ट सीरीज बन चुकी है यहाँ पे, आरआरबी की। एसएससी सीजीएल 2018 आने वाला है, उससे पहले ही आपको 20 टेस्ट सीरीज मैं दूंगा यहाँ पे वेबसाइट में, बिल्कुल फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पैटर्न है एग्जाम का उस हिसाब से कोई एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं कहीं भी, यहाँ पे पूरा सब मैं फ्री में डेवलप कर रहा हूँ। आरआरबी के लिए अभी हो गए 8 टेस्ट, अभी एसएससी सीजीएल के लिए सब चल रहा है तैयारी। और बाकी जैसे हमारे एमपी पीसीएस के लिए एमपी का करंट अफेयर हो गया, बिहार का करंट हो गया है अभी अपडेट, ठीक है। राजस्थान का मैं करवा रहा हूँ अभी, और जितने भी स्टेट पीसीएस अब सब धीरे धीरे करेंगे। देखिए बिहार का हो गया ये, प्लस बहुत सारा मटेरियल है, आप इस पर जाइए और आराम से पढ़िए इस पर। देखिए यहाँ पे जो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, यहाँ पे सब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप यहाँ पे रहेंगे। देखिए अभी मैंने कितनी सारी वीडियोज़ और बुक्स, ऐसा नहीं कि आप लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग लांछन लगाते हैं कि यार सब कुछ मैं पैसेज करता हूँ और ये सब चीज़ें, यार अब सर्वाइव तो करना ही है ना। मुझे जहाँ से काम करवाने पड़ते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे फ्री में टेस्ट करवाता हूँ, लेकिन मैं पैसे दे के करवाता हूँ, तो सब कुछ अब मैं खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा तो कैसे करूंगा। उसमें कुछ लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है यार, सब दुनिया एकदम ऐसी ही होती है यार। और दुनिया में सब, आप भी तो अपने मतलब के लिए हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं क्या वो फ्री में जॉब कर देंगे क्या? तो यूट्यूब मेरी एक जॉब है यार, और मुझे उस जॉब से बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करते हुए अपने आप को सर्वाइव भी रखना है और अपने जो एडुकेटर्स हैं उनको भी सर्वाइव रखना है। अपने जिनसे मैंने काम करवाता हूँ उनको भी पैसे देना है। सबके अपने अपने मोटिवेशन होते हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ये सही बात इसको टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, मैं कई सारी मतलब इवन जो मेरी पेड वाली पेड ग्रुप में, मैं क्या करता हूँ छोटी छोटी स्निपेट्स बनाता हूँ, छोटी छोटी पिक्स बना के देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार पेपर एनालिसिस करते टाइम। आप भी अगर जो यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं उनको पता होगा कि मैं वो वाली पिक यहाँ भी करता हूँ शेयर, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, लोअर का आने वाला है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं, करीबन अभी 300 की बात चल रही, 285, लेकिन और शायद बढ़ेंगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था दिसंबर 2017 में कि लोअर की आएगी करीबन इस ईयर के मिड में, वो देखिए आ रही है ये। अपर का भी मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि जो इसका प्रीलिम्स होगा वो 24 जून को नहीं हो पाएगा, सितंबर तक तो कम से कम जाएगा, और देखिए वही हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ये धीरे धीरे समझ में आने भी लगती हैं और काफ़ी पता भी देती हैं। सब कुछ एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन काफ़ी बार मैं इशारा करता हूँ तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।